और आप कहां के रहने वाले हैं? अमृतसर से हटे थे। इस सिस्टर की गवाही ये है कि ये बहन और इनका परिवार 2017 से ही मसीह में है, लेकिन जब भी इनको मसीह परिवार से इस बहन को रिश्ता मिलता था तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी जिस वजह से इनका रिश्ता नहीं होता था। इसी तरह इस बहन के 6 रिश्ते आए, लेकिन 6 के 6 बार इनका रिश्ता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इनकी मदर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे और कहते थे कि पता नहीं तेरा रिश्ता कब होगा। और इनके आस पड़ोस वाले भी इनको ताने मारते थे कि मसीह में होने के बावजूद भी आपके जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है। और लोगों के ताने सुनकर ये बहन बहुत निराश रहते थे और रोते रहते थे, मगर इनका विश्वास परमेश्वर पर बना रहा और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। वचनों और गवाहियों को सुनकर इनका फेथ परमेश्वर में बढ़ता गया और 13 जून 2021 द बिगेस्ट चेंज मीटिंग में संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने जब ये प्रार्थना की कि जो जवान यूथ है जो मैरिज के लिए वेट कर रहा है, आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। जो जवान यूथ है जो मैरिज के लिए वेट कर रहा है, डिवाइन रिश्तों के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सिर पे हाथ रखो यीशु मसीह के नाम में। अगर आज के वचन को आप मान और पवित्रताई में चलें, मैं आपकी लाइफ पर एक हेवनली पार्टनर की घोषणा करता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर एक हेवनली पार्टनर की घोषणा करता हूं। और आज मैं आपके यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर बोलता हूं, पवित्र आत्मा जो मुझसे कह रहे यीशु मसीह के नाम में ढूंढना शुरू करो और आप उसे ढूंढ पाएंगे जल्दी यीशु मसीह के नाम में। वेरी बिग ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी आशीषों को मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बरकतों को मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन पार्टनर्स के लिए यीशु के नाम में स्वर्ग आपके लिए खुल जाए, मैं देख रहा हूं डिवाइन पार्टनर्स को आपकी लाइफ में एंटर करते हो, ढूंढो यीशु मसीह के नाम में, वो आपको मिलने वाले। और ये बहन ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसी दिन इस बहन के घर में हेवनली रिश्ता आया और उस दिन ये बहन और इनकी फैमिली बहुत खुश हुए। और 17 जून 2021 को इस बहन की शादी मसीही परिवार में हो चुकी है और ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा आनंदित है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सज्जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे।